आज हम लेक्चर नंबर 6 स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्केलर स्टैंड फॉर आर रियल नंबर, यानी कोई भी ऐसा नंबर हम स्केलर के तौर पर लेंगे और पूरी मैट्रिसेस को उससे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। दो मल्टीप्लिकेशन आर्टिकल यहां डिस्कस आज तो नहीं हम करेंगे, लेकिन दो आर्टिकल जरूर होते हैं। एक मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन है और एक नंबर टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। फिर उनके एडिशन और कॉम्प्लिकेशन है थोड़ी सी, और किस तरह, और मैंने कुछ पिक भी किए हैं क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से, होपफुली कि आपको समझ आएंगे। एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 15 आपके लेक्चर नंबर 6 है। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले ही व्हाइट बोर्ड पे लिखी है कि ये टू शॉर्ट है, वन एमसीक्यूज और वन सब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 1। यहाँ आपको मैंने एक डिस्प्ले किए हैं कुछ क्वेश्चन जो कि अच्छी और बेहतरीन है, और समझाने के लिए भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। सी गिवन मैट्रिक्स है हुज एंट्रीज इज 1, -1 एंड 2। उन्होंने कहा है कि आप -2 × C फाइंड आउट करें। यहाँ जो -2 आपको नजर आ रहा है, हम इसे मैथ में स्केलर का नाम देखें, यानी कि बुक में अगर आप पढ़े और से प्रीवियस पेजेस को, तो वहां मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रियल नंबर लिखा हुआ है, हम उसे स्केलर का नाम देते हैं। तो ये -2 जो है वो रियल एंट्रीज है, उसको आपने सी या पूरी की पूरी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैसे करेंगे देखिए, -2 आपने वैसे क्या वैसे लिख दिया, सी की एंट्री जो उन्होंने गिवन है वो मैंने लिखी। अब -2 को इन तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल साइन निकालिए, -2 × 1 फिर -2 × -1 उसी तरह गैप एंट्रीज का -2 × 2 ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। जबकि जितनी एंट्रीज होंगी इसमें ऑर्डर नहीं देखना, जितनी एंट्रीज होंगी उतने ही आपने उसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप देखिए इसे सॉल्व करते हुए एहतियात कीजिएगा, साइन अक्सर आप धोखा खा जाते हैं। पहले आपने साइन की सिंप्लीफिकेशन करनी है, -+ −2 1 = 2 -(-2 1) = 2 -(+ −2 2) = 4 एंड दिस वन इज आंसर ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? अब इसी के हम स्टेप एक और आगे की तरफ जाते हैं। इफ ए इक्वल टू दिस वन 2x2 मैट्रिक्स, बी 07 − 3 ए मैट्रिक्स, फाइंड द फर्स्ट पार्ट 3a − 2b। अब आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है उन्होंने कहा कीजिएगा, और इन दोनों मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शंस करने के बाद हमें सॉल्यूशन दीजिएगा। मैंने 3 को स्केलर को वैसे के वैसे, यानी कि नंबर को वैसे लिखा, A is a given matrix 1, -2, 3 and 4 b − 2 b से पहले जो स्केलर्स है -2 और b की एंट्री 0, 7, -3 और 8। ये वाला पार्ट वैसे ही देखिएगा जैसे हमने ये किया, बजाय कि मैं 3 × 1 लिखू, 3 × -2 लिखू, हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 से ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। इक्वल 3 × 1 = 3 3 × -2 = -6 3 × 3 = 9 3 × 4 दिस वन इज 12। क्लियर? अब मैं यहां अब माइनस यहां रहने देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 × 0 दैट इज 0, कहीं 2 ना लिख दीजिएगा, 2 × 7 = 14 2 × -3 − 6 एंड 2 × 8 दिस वन इज 16। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई, दैट इज स्टेप नंबर 1। अब जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अब उन्हें क्रॉस बॉन्डिंग साइड्स को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। इक्वल साइन लगा रहा हूं, 3 − 0 क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, -6 − 14 9 − डबल माइनस है, डेटा प्लस करें, -9 + 6
माइनस नाइन ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन, तो क्रॉसपॉन्डिंग आपने एंट्री की। यहां आपने देखा एक चीज सीखी कि अगर डबल जो है आपने साइंस आ जाए, ऑपरेशन आ जाए, तो उसको उसी रूल के तहत के माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में आता है, वो आपने साथ ही सॉल्व करें। अब इनको फाइनल सॉल्यूशन दीजिएगा। दिस वन इज ए थ्री, बोथ नेगेटिव एड बट साइन नॉट चेंज, नाइन प्लस सिक्स डेट द फिफ्टीन, विच वन इज द ग्रेटर डेट इज 16, उसका साइन लीजिएगा 16 और 12 सब्ट्रैक्शन में है, डेट द 4 एंड दिस वन इज द आंसर ऑफ 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 15 माइनस 20 माइनस 4 स्केलर मल्टीप्लीकेशन स्टेप नंबर 1 एंड देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नाउ स्टेप नंबर पार्ट नंबर सेकेंड, इसमें आप 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, इसका मतलब है ट्रांसपोज यानी छोटा सा आपने t डाल, दिस स्टैंड फॉर द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने आपको सिखाया था अपने वीडियो में कि इनके रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि ये रो है और आपने इसे कॉलम बना लेना है। आप प्लीज प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। इक्वल का साइन, पहले आपने टू लिखना है, पहले आपने ट्रांसपोज लेनी है। प्लीज इसमें ऑर्डर मेंटेन करें, टू से मल्टीप्लाई नहीं करना, स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ट्रांसपोज लेते हैं, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। आप मुझसे कहेंगे सर वो तो वैसे ही आंसर आया, लेकिन यहां ट्रांसपोज जो है हमेशा पहले कहते हैं। पहले ट्रांसपोज कीजिए, वन माइनस टू डेट द रो, उसको कॉलम बना लें, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बना लें, दिस वन माइनस थ्री, सेकेंड का भी आपने ट्रांसपोज है माइनस जीरो और सेवन रो कॉलम में, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की एंट्रीज में ले आए, ये है प्रीवियस में और ये वाले में। अगर मैं कहूं कि इन दोनों में मैं कोई भी पेपर में देना चाहता हूं या आपको असाइनमेंट देना चाहूं, तो मैं इसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसमें सिमल्टेनियसली दो फंक्शन है, ट्रांसपोज भी लेने हैं, स्केलर भी लेने हैं और साथ सब्ट्रैक्शन भी करनी है। अब आपने यही मेथड को यूज करते हुए इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टू टू थ्री द सिक्स माइनस फोर एंड एट, क्लियर। माइनस को डिस्टर्ब ना कीजिए, थ्री से मल्टीप्लाई करें, जीरो माइनस नाइन ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी फोर, थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टेबल को एकदम एडजस्ट कर लीजिएगा, क्लियर। अब आप क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्शन पे ले जाएं, टू माइनस जीरो, सिक्स माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस, दैट इज सिक्स प्लस नाइन माइनस फोर माइनस ट्वेंटी वन एंड एट माइनस ट्वेंटी फोर, क्लियर। अब लास्ट स्टेप कीजिए, दैट इज टू, सिक्स प्लस नाइन दैट इज फिफ्टीन, माइनस फोर एंड माइनस ट्वेंटी वन बोथ आर नेगेटिव माइनस ट्वेंटी फाइव, ऑपोजिट साइन ग्रेटर साइन इज अ माइनस, नाउ ट्वेंटी फोर माइनस एट दैट इज अ सिक्सटीन एंड दिस वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोज। तो ये देखिए, फर्स्ट में आपने स्केलर सीखा, सेकंड में आपने स्केलर और साथ सब्ट्रैक्शन, थर्ड में ट्रांसपोज भी आया। अब नेक्स्ट पे आ रहे, दिस वन क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो 1.3 के साथ दिया और इसका एक रिव्यू एक्सरसाइज में भी मौजूद है। अब रिव्यू वाला मैं नहीं करवाऊंगा, वो आपकी प्रैक्टिस में जाएगा। टू इंटू मैट्रिक्स थ्री और मैट्रिक्स टू बाई टू, सेवन टेन एटीन एंड वन, आपने यहां ए और बी नजर आ रहा है, ये देखें ये ए है और ये बी है। उन्होंने कहा है कि आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। एक अच्छा और बेहतरीन पार्ट, स्केलर मल्टीप्लाई कर द डायरेक्ट, दिस वन इज अ फोर, टू फोर एट माइनस सिक्स एंड टू ए, क्लियर। इसको जरा बड़ा कर लीजिएगा,
ये आ गया 4, 8 - 6 एंड 2a प्लस। अब पूरी मैट्रिक्स को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3, 3b, 3a 24 - 12। क्लियर हो गए? दो मैट्रिक्स आपने स्केलर में लिया है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली, इक्वल के बाद जो मैट्रिक्स है आपने वो वैसे के वैसे लिख लेंगे आप 7, 10, 18 एंड 1, इसको आपने नहीं ड्रॉप करना। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपने क्या करना है, एड 4 + 3 लिख दिए यहां, 4 + 3 8 + 3b, 8 अलग है और 3b अलग है, 8 की बेस बी नहीं है 8 के साथ, तो कहीं 11 भी नहीं लिखना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं 8 + 3b, यहां आप लिखेंगे 8 + 3b, नॉट 11b। -6 + 24 एंड 2a - 12, यहां स्पेस है इक्वल 7, 10, 18 एंड 1। आप इनको ऐड कर लें, इनको वैसे के वैसे रहने दें, ये ऐड नहीं हो सकती, लाइक वाइज नहीं है टर्म ये। नाउ 7, दिस वन इज 7, 18, 8 + 3b एंड 2a - 12 इक्वल 7, 18, 10 एंड 1, यहां तक आप पहुंचे। अब यहां तक आपके स्टेप सही है केवल, आप ये चेक कीजिएगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैन बी 7 सेम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 18, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 18 सेम, ये सेम आएगा। अब उन्होंने कहा है कि ए और बी फाइंड आउट करें, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, मान लेक्चर नंबर सेकंड, दिस वन इज लेक्चर नंबर 6, सेकंड में देखें इक्वल मैट्रिक्स में, अगर टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें, 7, 7 है, 18, 18 है, 8 + 3b को आपने 10 के इक्वल कर दिया, यानी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के इक्वल कर दीजिएगा, वो मैं लिखने लगा 8 + 3b = 10 एंड अभी इसी तरह 2a - 12 = 1, यहां बिशक वर्ड आप एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स अ नोटेशन, या and लिख लें ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि अभी आपकी क्लास प्राइमरी लेवल में है, आप यहां एंड बाय डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं आगे। अब इसे आपने सॉल्व करना है, 3b = 10 - 8 + 8 राइट साइड पे -3b = 2, 10 - 8 = 2 एंड b = 2 over 3, तो लिहाजा b की वैल्यू जो है आपके पास 2/3 है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट a में देखिएगा, 2a = 1 + 12, नाउ 2a = 13 एंड a = 13/2 एंड दिस वन इज अ वैल्यू ऑफ a, तो देखिएगा 1 by 1 step में क्या है, पहले आपने स्केलर सीखा, फिर आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट लेक्चर्स में इसका लास्ट पार्ट होगा सिमेट्री का, क्योंकि वो सिमेट्री अभी मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मेरे साथ रहिएगा, अपने चैनल के साथ रहिएगा, साथ दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।